बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपसे जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो एक फ़ीमेल में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, और वो फ़ीमेल या औरतें जो हैं वो शर्माते हुए बताती भी नहीं है। वो है ब्रेस्ट साइज़ का छोटा हो जाना या लटक जाना। तो ये भी एक बीमारी के तौर पे समझा जाता है। तो इसका आज हम आपको इलाज बताएंगे, ट्रीटमेंट बताएंगे। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो उन तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, जिन ख्वातीन की छाती या ब्रेस्ट साइज जो है वो कम होता है, वो जो है एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं और वो परेशान रहती हैं। और चूँकि हमारा माशरा ऐसा है, ख़ास तौर पर शोहर या जिन बच्चियों की शादी होने वाली होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हम आज आपको इलाज बताएंगे कि आप कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप जो है किस चीज़ से ब्रेस्ट की मालिश करें। तो उससे जो है एक तो ब्रेस्ट साइज़ जो है वो ठीक हो जाएगा, दूसरा अगर लटकन है डलक चुके हैं तो ये दोनों प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। तो इसमें आपने सबसे पहली जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, दोस्तों ये मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारे उस्ताज़ा इकराम बहुत सारे मरीज़ों के ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं जिससे वो ठीक हो चुके हैं। तो ऐसे ही सबसे पहली जो मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल करेंगे, ओना सिमोडियम 1 mg में एक खुराक एक हफ्ते के बाद। दूसरी मेडिसिन चाइना 1 mg एक हफ्ते के बाद, और इसके बाद लाइकोपोडियम 1 mg में एक खुराक एक हफ्ते के बाद इस्तेमाल करें। इसके बाद सुबह में आयोडीन 200 ताकत में 2 कतरे ज़ुबान पर टपका लें। ऐसे ही दोपहर में कोरियम 200 ताकत में 2 कतरे ज़ुबान पर टपका लें, और ऐसे ही शाम में कार्बो एनी मेलस जो है 200 ताकत में 2 कतरे ज़ुबान पर टपका लें। तो इस तरह करके ये तीनों मेडिसन सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल करें। इन तीनों मेडिसिन को आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आपने दोस्तों एक मदर टिंचर लेना है जो कि ड्रॉप्स की शक्ल में होगा, वो आप 20 कतरे हाफ ग्लास पानी में सुबह में डालकर पी लें, और इसके 1 घंटे के बाद आयोडीन 200 में 2 ड्राफ्ट जो है वो ज़ुबान पर डाल लें। ऐसे ही 20 कतरे हाफ ग्लास पानी में डालकर दोपहर में पी लें, और इसके बाद में आप कोनियम 200 जो है वो 2 कतरे ज़ुबान पर टपका लें। ऐसे ही 20 कतरे शाम में पानी में डालकर पी लें, और इसके बाद कार्बो एनिमेलस जो है वो 2 कतरे ज़ुबान पर टपका लें। इस तरह करके ये 3 टाइम जो है आप मदर टिंचर प्लस मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ मालिश के लिए दोस्तों मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने सिंपल वे में मालिश करनी है। ये आपके पास जो ड्रॉप्स हैं सुबाल सैरोलिट्रा मदर टिंचर जो है ये आप 20 कतरे ले लें, और इसमें सिर्फ जो है जैतून का तेल ऑलिव ऑयल जो है वो आप 1 स्टांक ले लें 20 कतरे, और 1 स्टांक जैतून का तेल डालकर
आप इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो है आप इन ब्रश के ऊपर गुलाई की शक्ल में मालिश करें। इनको गुलाई की शक्ल में रोज़ाना जो है आप मालिश करेंगे तो इससे ये होगा कि आपके फिगर टाइट भी हो जाएंगे और बढ़ना भी शुरू हो जाएंगे। ये चंद दिन आप मेडिसिन करेंगे, 1 से 2 माह के अंदर अंदर जिन ख्वातीन के फिगर बिल्कुल नहीं है वो वाज़ा हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। जिनके अंदर टाइटनेस नहीं है, ढीलापन आ चुका है, वो भी 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर ठीक हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।